तो भाई मैं जा रहा हूँ बिरला मंदिर, तू मेरा वीडियो वॉइस ओवर तो कर लेना, ठीक है? अच्छे से कर लियो, वरना फिर पता चला रोस्टिंग कर रहा तो फिर बताऊंगा तुझे बाद में आके। ठीक है भाई, तू जा, मैं कर लूंगा तेरे वीडियो का संस्कृति वॉइस मंत्रालय ने ओवर, दिल्ली में इस यात्रा मतलब का आयोजन किया था। इन वॉइस तस्वीरों में ओवर, आपको जम्मू रोस्टिंग कश्मीर वाला में वॉइस सड़कों पर ओवर। घरों पर बीजेपी के साथ तो हेलो गाइस, तो आप सभी को पता चल ही गया होगा आज हम करने वाले उस चमन मतलब मेरा मतलब उस पागल का बिरला मंदिर जाने वाला रोस्ट। तो आज हम डेस्टिनेशन कहाँ जाने वाले हैं? बिरला मंदिर। तो हैदराबाद के बिरला मंदिर पे आप सबका स्वागत है, और मेरे ब्लॉग पे भी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और मोर ऐसे ब्लॉग्स के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब। अरे वीडियो स्टार्टिंग में ये क्या आ गया ये? अरे अरे अरे, ये ड्रेनेज कहाँ से आ गया? अरे अरे, ये रोड, अरे ये कहाँ जा रहा है ये पागल? और ये कौन चल रहा है ये? अरे चत्ता कहाँ से आ गया? और ये अंकल, ओ राइट अंकल, थैंक्स सर। अभी तो बिरला मंदिर। तो ये रिसीव करने गया था फादर्स डे का गिफ्ट, जो कि है एनवीडियोस। तो इसमें मैं बाद में बता दूंगा या फोटो इंक्लूड कर दूंगा। आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, रोस्टिंग भी तो करना है, सफर नहीं हो रहा है। और हाँ गाइस, ये फन वे रोस्ट है, इसको रोस्ट नहीं जब फन की तरह रखते हैं, क्योंकि डिवोशनल जगह पे रोस्ट अच्छा नहीं लगता। तो डेस्टिनेशन की शुरुआत करते हैं बस से, और मम्मी पापा जाने वाले थे गाड़ी से, और मैं बस में, ओ सॉरी, ये चमनचू। और बस में जाते ही अपना स्टाइल दिखाई, अपना मजाक भी बना लिया। और गाइस मैं बता दूं कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग होते वक्त बहुत सारे कैमरा में ग्लिच आ गए थे, जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद हमने कुछ सफ़र स्टार्ट किया कुछ इस तरह, बहुत सारे ट्रैफिक थे बस, आप देख सकते हो। मैं था विंडो की सीट पे, और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, शाम का टाइम था वो, और देखते रहिए आप। ना किसी तरह हमने फाइनली रीच कर लिया है। और बिरला मंदिर जाने से पहले बहुत सारा रास्ता मतलब ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है, तो हम मैं और मम्मी के साथ जा ही रहा था। आप देख सकते हो गाइस, सीढ़ियाँ भी हैं, और बाइक से जाने की अलग जगह है, और ये वॉक मतलब वॉक करके ही आप ऐसे जा सकते हो। उस रास्ते में बहुत सारे चीज़ें दिख रहे थे, शॉप्स भी थे, और इसी तरह हमने पहुंच गए मेन गेट के पास, जहाँ पे अंदर पुलिस भी थे, वो अपने पेट्रोलिंग कर रहे थे, और बहुत सारे लोग फोटो भी, और वेदर भी आप देख सकते हो कैसा वेदर था। बारिश भी होने वाला था पर हम बच गए, बारिश एक बूंद भी नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो पापा आगे आगे चल रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि मैं अपना शूज़ कहाँ पे रखूँ। उसके बाद मैं शॉक हो गया, के बाद देखा कि वहाँ पे हम वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते अंदर की, मतलब जाना पूजा करके आ जाना बस इतना ही था। तो हमने जैसे तैसे पूजा किया, रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, और फ़ोन भी जमा कर लिया गया था। और ये आउटसाइड का सीनरी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें ऊपर जाना था, वाइट कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट आप देख सकते हो, और ये गेट वगैरह है, यहाँ पे लड्डू वगैरह मिलते हैं, और कुछ भी बहुत सारे सामान ये देख सकते हो, लड्डू यहाँ पे लाइन लगा है। और ये कुछ बुक्स का शॉप है, मतलब भगवान का जो बुक्स रहता है ना, तो उसके रिलेटेड, और कुछ ज्वेलरी वगैरह आपके भी आइटम्स थे, बुक्स देख सकते हो। मैंने जैसे टूर के लिए अंदर गया था, देख सकते हो आप कैसा अंदर का सीनरी है, और टॉयस भी ले सकते हो, और काफ़ी कुछ ले सकते हो गाइस यहाँ से। ये बड़ा सा ये कुछ एक शॉप था, और इसके आउटसाइड में मतलब एक इनके आउटसाइड में जूस शॉप भी था, और आप देख सकते हो यहाँ पार्किंग से सीनरी। ये है टैंक बंड गाइस, यहाँ से टैंक बंड दिखता है। आप अगर बिरला मंदिर के ऊपर तक जाओगे तो भी आपको पूरा टैंक बंड दिख जाएगा, एक छोटा सा जगह की तरह।
और नेक्स्ट हम डेस्टिनेशन जाने वाले टैंक मट की तरह, क्योंकि एक व्लॉग बना के मन नहीं भरा। तो ये पार्किंग था गाइस, और देख सकते हो कैसा स्टाइल मार रहा है ये लौंडा, ये अश्लील है ये लौंडा। और ये बुलेट के साथ बहुत सारे फोटोज भी खिंचवाया है। अरे भाई बस कर, और कितना, और ये हमने प्रसाद खाया, मतलब ये इन्होंने निकल ही जाता है सच। अरे भाई कितना खाएगा, और अरे भाई हाँ पूरा खा जा, मेरे लिए मत रख, पूरा खा जा। और फाइनली हम गेट से बाहर निकले, रोड के उस साइड गए, मम्मी पापा आने वाले थे। ट्रिपल राइडिंग अलाउड नहीं थी तो मैं वेट कर रहा था, उसके बाद ट्रिपल राइडिंग करके कैसे भी गए। तो हम जाते जाते बीच में कैसा भी टैंकमेंट पड़ता है हमारे घर आने से पहले, तो हम क्यों ना सोचे कि टैंकमेंट के भी दर्शन कर लिया जाए, मतलब देख लिया जाए। तो हमने साइड गया, और जैसे तो आप पता ही है बंगाली है, झालमुड़ी खाए बिना कैसे आए। तो हम सिखाई वेट कर रहे थे उस साइड, पापा पार्किंग कर रहे थे, मैं बस मम्मी के साथ रोड पे ठहरा था। और रोड क्रॉस किया हमने, रोड के साइड पे ये सब शॉप्स भी थे जैसे कि आप देख सकते हो, और उस दिन बहुत रश भी था। और मैं आपको बता दूँ, और हेलमेट तो मैंडेटरी है, अब देख सकते हो कितना कचरा है साइड में। और यहाँ पे ध्यान से देखिए गाइस, ये है टैंकमेंट, और यहाँ पे बोट रेसिंग चल रही थी, और इतना स्पीड मैंने कभी भी नहीं देखा। ये है टैंकमेंट का बुद्धा मूर्ति जो आप देख सकते हो, और यहाँ पे लॉज वगैरह जा रहे, और ये ओ ओ स्पीड टक्कर दे दिया, और बोट ने टक्कर दे दिया, और स्पीड से जाते हुए, और हीरो ने जीत लिया अपना रेस। और देख सकते हो कितना स्पीड से जा रहा है, ओवरटेक कर रहा है गाइस, पर अफसोस हम राइडिंग नहीं कर पाए। यह है झंडा, यहाँ पे 15 अगस्त को उड़ाया जाता है यहाँ पर। और पानी का लहर आप देख ही सकते हो, अगर हैवी रेन होती है तो ये पानी ऊपर तक भी आ जाता है, बहुत बार आ भी चुका है। और यहाँ पे तो रेसिंग वगैरह चल ही रही है, पानी तो बहुत ही गंदा है गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो ये NTR गार्डन्स है यहाँ पर, और फिर से इन्होंने स्टाइल मारना स्टार्ट कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं से फुटेज लेना ही है इसको। अरे बस कर भाई, और देख सकते हैं पापा जी भी वहाँ पे खड़े हैं। अरे भाई कितना स्टाइल से फ़ोटो लेगा भाई। और हाँ गाइस, मैं ये है वीडियो का मेन पार्ट, इसको खाए बिना हम कैसे रह सकते, आखिर हम बंगाली है तो ये हमें खाना ही पड़ता है जनाब। देख सकते हो अंकल किस अच्छे तरीके से बना रहे थे अपना झालमुड़ी, चना वना मस्त, ऑनियन वगैरह डाल के, नींबू वगैरह डाल के। ओ भाई इतना स्वादिष्ट था, अंकल ने मिक्स किया, देख सकते हो गाइस। और इसका प्राइस मैं बता दूँ 30 से 40 रुपीस का है, इतना सा। उसके बाद हमने खा पी के अपना राइड, मतलब जर्नी शुरू कर दिया घर आने का। बस अब ये सीनरी एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उस दिन का टाइम कैसा था मुझे पता नहीं, बिरला मंदिर और टैंकमेंट में सब मुझसे मतलब फ़ोटो खिंचवाने, मुझसे नहीं, मुझे कह रहे थे कि फ़ोटो खींचो। उस दिन मैं काश वो वीडियो रिकॉर्ड कर पाता, हर कोई मैं अपना फ़ोटो या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था व्लॉग के लिए, वो बस मुझसे आके पूछ रहे भाई तू फोटो अच्छा ले रहा है, मेरा भी एक दे दे, हर फैमिली मेम्बर्स वही कह रहे हैं। करीब मैंने 10 लोगों का फ़ोटो किया था उधर बिरला मंदिर में, और एक दो ये टैंक मंड में। दिन कैसा था पता नहीं गाइस, ये एक स्मूथ एक्सपीरियंस। हीरो देखो आ गया फिर से फुटेज लेने। और ये मेट्रो स्टेशन, और आप ललिता ज्वेलरीज भी देख सकते हो, ये एक फेमस ललिता ज्वेलरीज है जो हमारे चीचा आते हैं। वैसे वो चीचा बहुत अमीर है। और गाड़ी की स्पीड करीब करीब 80 से 90 की थी, और देख सकते हो रोड भी खाली ही था, शाम का टाइम हो चुका था, बस जा रहा था, और एडवर्टाइजमेंट्स तो आप देख सकते हो। और ये सीनरी भी बहुत ही अच्छा रहा है गाइस इस फ़ोन से, मतलब मैं तो शौक हो गया, सीनरी बहुत मुझे अच्छा लगा गाइस। इसी के साथ मैंने मेट्रो को भी फोकस करने की कोशिश बहुत की थी, पर
हमारी गाड़ी आगे जा रही है तो मेट्रो पीछे, अगर मेट्रो फास्ट जा रही है तो हमारी गाड़ी पीछे। इस तरह मेट्रो भी हमारे किस्मत में नहीं था फोटो लेने का। जान जाए पर हेलमेट ट्रिपल राइड में ना जाए। वैसे हेलमेट मैंडेटरी भी है, मैंडेटरी तो आप ज़रूर पहनना। और गाइस इस तरह हमने घर पहुंच गया, पता नहीं हीरो किस फैशन में तुला। तो गाइस आज के वीडियो पे इतना ही, मिलते अगले व्लॉग पे। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको, सॉरी कैमरा ही सही है, अच्छा लगा होगा। ये वॉइस ओवर वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर देना। मोटू ऐसे ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिलहाल मुझे आ रही है बहुत नींद, अब मैं गिरने वाला हूँ। अरे भाई ये तो सो गया। ए भाई उठ उठ भाई। अरे भाई ये तो सो गया, पता नहीं ब्लॉग का वॉइस ओवर किया नहीं। चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, मैं भी थका हुआ हूँ।